नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष ने अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सभी को समाजवादी पार्टी में सदस्यता दिलाई है, जिससे कहीं ना कहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। क्या नाम है सर आपका? जयवीर सिंह यादव जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज कितने मेंबर आपके, कौन सी पार्टी के कितने जुड़े हैं? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे प्रोफेसर तला खां हैं, जो सेकुलर मोर्चा के अध्यक्ष थे, उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, और उनके साथ तमामी उनके साथियों ने जो उनके संगठन के पदाधिकारी थे वो भी आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करी है। नी के साथ हमारे एमएच डिग्री कॉलेज के 3 प्रोफेसर हैं, दीक्षित जी हैं, पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, क्योंकि 1 तारीख को शिक्षक एमएलसी का चुनाव है, उसमें हमारी पार्टी से संजय कुमार मिश्रा जी प्रत्याशी हैं, उन्हीं की मजबूती इन सब प्रोफेसरों के आने से मजबूती मिलेगी, समाजवादी पार्टी के जो शिक्षक एमएलसी के चुनाव में मजबूती मिलेगी, इसी में हमारे तला भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि ये भी शिक्षक वर्ग से आते हैं, तो इसी के आज इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को देखते हुए प्रभावित होकर इन्होंने आज अपने दल को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से, जनपद मुरादाबाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने छोटे भाई तला को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इनके आने से जो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी साथियों से समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, विधायक, एमपी, पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी से मेरा यही आग्रह निवेदन है कि आने वाली 1 तारीख को शिक्षक एमएलसी के चुनाव में जुट जाएं, पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार मिश्रा जी को जिताने का काम करें। उसमें किसी की ये नहीं देखें कि उसने मुझसे नहीं कहा है, इसने नहीं कहा, सब लोगों की जिम्मेदारी पड़ती है। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किसी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया तो समाजवादी पार्टी को जिताने का सभी काम करें। आज समाजवादी पार्टी में आप देख रहे हैं कम से कम 100 लोग यहाँ तला भाई के समर्थन में समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग करी है, तो मैं सभी जो इनके साथ साथी आए हुए हैं, वसीम अहमद हैं और भी बहुत लोग हैं, जो ठाकुर द्वारा से लेकर कुंदर के बिलारी सभी क्षेत्रों से इनका पूरा संगठन था, वो सब समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करी है। मैं इनका बहुत बहुत पार्टी में आने पर आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।